बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के साथ बिहार में गठबंधन सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के लिए अगले 72 घंटे तक पटना में रहने का फरमान जारी कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार के इस फरमान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, यानी अगले 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। सीएम नीतीश की सक्रियता को देखते हुए सूबे में सियासी उलटफेर की चर्चा भी अब तेज हो गई है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाने की योजना तो नहीं बना रहे? ऐसा माना जा रहा है कि इन सारे सवालों का जवाब अगले 72 घंटों में मिल सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने एक दिन पहले भी पार्टी कार्यालय पर अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ ही पूर्व विधायकों से भी मुलाकात की है। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर छापेमारी को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि जिसने रेड किया है वही बता पाएगा। नीतीश के इस बयान को लालू परिवार पर छापेमारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने के रूप में देखा गया। बिहार में पिछले एक महीने के घटनाक्रम को देखें तो इसमें तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक साथ देखा गया। खास बात ये रही कि इन तीनों ही मौकों पर दोनों नेता एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आए। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी कई बार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को इफ्तार पार्टी में शामिल होने का न्योता मिलता रहा है, लेकिन वो कभी भी इसमें शामिल नहीं होने जाते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार पैदल चलकर अपने घर से राबड़ी देवी के घर पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो वहीं आरजेडी के बाद नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी इफ्तार पार्टी दी थी, जिसमें तेजस्वी यादव और लालू परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया गया था। तेजस्वी यादव भी जेडीयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचे और नीतीश कुमार के साथ उनकी दूरियां और कम हो गई। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बंद कमरे में बैठक की। बिहार में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा था और नीतीश ने मात्र 24 घंटे के अंदर ही उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात के दौरान नीतीश ने तेजस्वी को ये विश्वास दिलाया कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और इसके लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे। बिहार के राजनीतिक गलियारों में तो ये तक कहा जा रहा है कि लालू यादव और उनके परिवार से जुड़े 17 जगहों पे सीबीआई ने जो रेड मारी वो रेड राजनीतिक थी। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा चुके थे, लेकिन इसकी जानकारी बीजेपी को मिल गई। नीतीश की पार्टी और आरजेडी का गठबंधन रोकने के लिए ही ऐन मौके पर केंद्र ने लालू परिवार पर सीबीआई की छापेमारी करवा दी। हालांकि खबर विभाग इन चर्चाओं की पुष्टि नहीं करता है। लालू यादव और उनके परिजनों के घर जब 20 मई को सीबीआई छापेमारी कर रही थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। लालू परिवार पर सीबीआई ने जब छापेमारी की थी, उससे ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन रवाना हुए थे। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आज या कल वापस लौट सकते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव के लंदन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह और जेडीयू के बीच भी टकराव के बारे में खबरें सामने आ रही है। आरसीपी सिंह जेडीयू से राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार अपने 25 साल पुराने सहयोगी को फिर से राज्यसभा नहीं भेजने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री नहीं रह पाएंगे और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये कदम इस बात का भी संकेत हो सकता है कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ अपनी राह जुदा करने का फैसला ले लिया है। राज्यसभा के लिए 10 जून को चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन 24 से 30 मई के बीच होना है। नीतीश कुमार ने अब तक आरसीपी सिंह को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक सवाल के जवाब में नीतीश ने कहा कि समय आने पर राज्यसभा के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से नाराज चल रहे हैं।
खबरों की माने तो पिछले साल जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जेडीयू के सरकार में शामिल होने की बात आई तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हिस्से लेकर बातचीत की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को ही सौंपी थी। नीतीश तब दो कैबिनेट और दो राज्य मंत्री का पद जेडीयू के लिए चाहते थे। तब जेडीयू के अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह ने केंद्र में सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री के बीजेपी के ऑफर पर डील फाइनल कर दी और खुद मंत्री बन गए। आरसीपी सिंह की बीजेपी के साथ डील पर उनके धुर विरोधी माने जाने वाले मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने भी कड़ी नाराजगी जताई। आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू में ये भी चर्चा रहती है कि वो पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब जबकि आरसीपी सिंह का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जेडीयू का एक धड़ा उन्हें फिर से उच्च सदन में भेजने के पक्ष में नहीं है। अब ऐसे में सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती आरसीपी सिंह को लेकर कोई भी फैसला लेना है। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर उन्होंने आरसीपी सिंह का टिकट काटा तो जेडीयू भी टूट सकती है। जेडीयू के करीब आधा दर्जन सांसद और 15 से ज्यादा विधायक आरसीपी के समर्थक माने जाते हैं। अब देखना होगा कि सीएम नीतीश वो कौन सा बड़ा कदम उठाते हैं जिसके लिए उन्होंने अपने विधायकों को पटना में ही रुके रहने के निर्देश दे दिए। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर भाजपा के साथ अपने इस गठबंधन को तोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।